तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉय ई बाइक के सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक स्कूटर मिहोज की। अब इसकी सब्सिडी कितनी रहेगी, इसके अंदर कलर कौन कौन से दिए गए हैं, प्राइसिंग कितनी रहेगी, वारंटी में क्या कुछ कवर रहेगा, साथ में एक बार चार्ज होने के बाद में कितनी रेंज मिल जाएगी, सारे पॉइंट्स एक एक करके कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कलर ऑप्शन के अंदर मैट ब्लैक अवेलेबल है, साथ में व्हाइट देख रहे हैं जो ग्लॉस फिनिश के अंदर है। इसी के अलावा आपको ग्लॉस फिनिश में येलो कलर और देखने को मिल जाएगा। मिहोज का चारों तरफ से वॉक अराउंड करेंगे इस वीडियो में, बट शुरुआत करते हैं इसकी कीज से। तो कुछ इस तरीके की इसकी कीज मिल जाएंगी आपको, दो चाबियों का सेट है और दो रिमोट का ही सेट मिल जाएगा। रिमोट की डिजाइन काफी अच्छी है और यहाँ पर आपको कीलेस राइड का ऑप्शन भी मिल जाता है। कीलेस राइड के लिए रिमोट के सबसे ऊपर पावर बटन दिया गया है, इसको तीन बार प्रेस करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो चुका है और नीचे की तरफ हमने की नहीं लगाई है। मिहोज के अंदर आपको 4.3 इंच का फुल कलर डिस्प्ले मिलेगा जो आता है TFT स्क्रीन के साथ में, जिसके अंदर आप टाइम, गाड़ी की स्पीड, बैटरी के परसेंटेज, कौन से मोड में गाड़ी चल रही है ये भी चेक कर पाएंगे, साथ में ऑडोमीटर रीडिंग और डिस्टेंस टू MPT। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप रेंज भी चेक कर पाएंगे कि कितनी रेंज बची हुई है स्कूटर के अंदर। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाद में बात कर लेते हैं स्विचेस की। तो लेफ्ट साइड के अंदर हाई बीम लो बीम के लिए डेडिकेटेड स्विच दिया गया है, इसी के नीचे की तरफ टर्न इंडिकेटर के लिए और हॉर्न के लिए भी स्विचेस मिल जाएंगे। राइट साइड के अंदर आ जाए तो यहाँ पर आपको एक स्विच दिया गया है जो पार्किंग के लिए है। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक लाइट के अंदर है तो इसको पार्किंग के अंदर कर सकते हैं, उसके बाद में स्कूटर आगे पीछे नहीं होगा और जैसे इसको ऑफ करते हैं स्कूटर रेडी टू मूव हो जाता है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। पास में आपको मोड चेंज करने के लिए स्विच दिया गया है, जैसे ही आप मोड चेंज करते हैं तो आपको स्क्रीन के अंदर भी शो होगा कि कौन से मोड में ये चल रहा है। इसके अंदर आपको टोटल तीन मोड्स दिए गए हैं। RVM राउंड शेप के अंदर क्रोम फिनिश के अंदर दिए गए हैं जो काफी क्लासिक लुक देते हैं और मेटल के होने की वजह से काफी मजबूत भी है। चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो वो हैंडल के पास में दिया गया है, इसके अंदर आपको डबल कैप भी मिलेगी ताकि पानी या फिर मिट्टी से प्रोटेक्शन रहे। इसी के पास में एक हुक दिया गया है और की स्विच रहेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस दिया गया है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। फ्रंट स्टोरेज को अगर लॉकिंग सिस्टम के साथ में दिया जाता तो और भी बेस्ट हो सकता था। फुटबोर्ड की बात करें तो भाई ये फ्लैट दिया गया है, छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, अपने पैर रख सकते हैं। लेकिन कई भाइयों की क्वेरी रहती है LPG सिलेंडर के रिगार्डिंग, तो इतना स्पेस तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। एक फुटमैट भी मिल जाएगी ब्लैक प्लास्टिक के अंदर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक दी गई है। इस स्कूटर को चलाने के लिए आपको RC और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। पिलन राइडर फुटरेस्ट मेटल का है और आप इसको इजिली फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। पास में आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग नहीं मिलेगी आपको। मिहोज के अंदर लुक्स और डिजाइन के साथ साथ डेली यूटिलिटी का भी ध्यान में रखा गया है, लेडीज फुटरेस्ट दिया गया है जो काफी अच्छी चीज है। इसी के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जॉय ई बाइक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जो 3D के अंदर है और काफी अच्छी लगती है। अब बात करेंगे कम्फर्ट की, तो चलते हैं सीट की तरफ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी डिजाइन की आपको सीट मिल जाएगी, दो लोग बड़े आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हैं, इतना तो स्पेस मिल ही जाएगा। कुशन्स ठीक ठाक मिलेंगे, ना ही ज्यादा सॉफ्ट दिए गए हैं ना ही ज्यादा हार्ड दिए गए हैं। सीट के जस्ट पीछे ब्लैक मैट फिनिश के अंदर मेटल की काफी मजबूत ग्रिप रेल मिल जाएगी। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं इसकी टेल लैंप किस तरीके से है। तो भाई यहाँ पर आप टर्न इंडिकेटर देख लीजिए या फिर इसकी टेल लैंप देख लीजिए, सारा सेटअप आपको LED के अंदर मिलेगा। इवन जो नंबर प्लेट लाइट है वो भी आपको LED के अंदर दी गई है। रियर पोर्शन के अंदर आप देखेंगे तो प्लास्टिक का सेटअप दिया गया है, इसके अंदर भी मैट फिनिश है और कुछ जगह पर ग्लॉस फिनिश दी गई है, तो ये थोड़ा सा इसको यूनिक बनाता है। टेलम के पास में आपको एक लॉक मिल जाएगा अंडर सीट स्टोरेज को ओपन करने के लिए। गाइस लेफ्ट साइड कवर कर ली है, रियर साइड कवर कर ली है, अब आते हैं राइट साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर जो स्विंग आर्म के कवर है वो नॉर्मल प्लास्टिक के अंदर दिए गए हैं, बट जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी अच्छी मिलेगी यहाँ पर। मैंने कई इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे हैं जिनकी स्विंग आर्म्स बॉडी कलर में पेंटेड होती हैं, ग्राफिक्स वगैरह भी होते हैं, बट बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो वहां पर सारा मामला बिगड़ जाता है। रियर सस्पेंशन में ड्यूल कोइल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर पाएंगे। वहीं पर टायर साइज की बात कर ले तो भाई यहाँ पर मिलेगा आपको 90x90 का टायर 12 इंच की एल्यूमिनियम अलॉय व्हील रिम के साथ में। टायर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही ट्यूबलेस दिए गए हैं, तो पंक्चर वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रियर ब्रेकिंग की बात कर लें तो डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम भी काफी अच्छा मिल जाएगा। BLDC मोटर मिल जाएगी रियर टायर व्हील हब के अंदर जो 1500 वाट के साथ में आती है। वारंटी की बात कर लें तो बैटरी पर मिलेगी आपको 3 साल की और मोटर और चार्जर पर मिलने वाली है 2 साल की वारंटी।
टॉप स्पीड को देखें तो 65 किलोमीटर पर आवर तक इसको आप राइड कर सकते हैं। तीन साइड कवर करने के बाद में फाइनली मिहोज के फ्रंट साइड में आ जाते हैं। तो राउंड शेप के अंदर हेडलैम्प दिया गया है, एलईडी होने की वजह से यहाँ पर नाइट के अंदर काफी अच्छा थ्रो मिल जाएगा और बैटरी का कंजेशन भी कम से कम रहेगा। एक चीज जो मैंने नोटिस करी, मिहोज की पेंट क्वालिटी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले कई गुना बेटर है। सेंटर में मिहोज का लोगो मिल जाएगा और टर्न इंडिकेटर के पास में वैसा ही टेक्सचर दिया गया है जैसे रियर साइड में दिया गया था। टर्न इंडिकेटर राउंड शेप के अंदर है और एलईडी के अंदर ही दिए गए हैं। फेंडर के साथ में मैक्सिमम आउटर पैनल्स फाइबर के अंदर ही दिए गए हैं, बट फाइबर की क्वालिटी भी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर के मुकाबले बेटर दी गई है। फ्रंट सस्पेंशन के अंदर टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, इनके ऊपर एक छोटा रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा सेफ्टी के कारण। और यहाँ पर अगर ब्रेकिंग की बात कर लें तो रियर साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ ही डिस्क ब्रेक मिलेंगे। फ्रंट टायर की भी सेम साइज रहेगी, 90x90 की 12 इंच की एल्युमिनियम एलॉय व्हील रिम के साथ में जैसे रियर साइड के अंदर दिया गया था। अब चलते हैं इसकी सीट की तरफ और देखते हैं वहां पर हमें अंडर सीट स्टोरेज कितना मिलता है और इसकी बैटरी डिटेचेबल है या नहीं है। तो सीट को अनलॉक करने के लिए पीछे की तरफ एक लॉक दिया गया है जिसको आप कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सीट के नीचे देखेंगे तो अंडर सीट स्टोरेज अच्छा खासा दिया गया है, आप एक फुल साइज हेलमेट आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर लाइटिंग के लिए एक अलग से लाइट मिल जाएगी जो मोशन सेंसर से काम करती है। यूएसबी पोर्ट दिया गया है तो मोबाइल या फिर आपका कोई गैजेट है वो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। इसी के पास में एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा और इसी के पास में टूल किट और फर्स्ट एड किट दिया गया है। सबको एक बार बाहर निकाल लेते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से आपको एक अच्छा खासा लार्ज स्टोरेज मिलता है पीछे की तरफ। और यहाँ पर बैटरी को निकालने का कोई सिस्टम भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मिहोज के अंदर फिक्स बैटरी दी गई है। अब जब स्कूटर परचेस करते हैं तो आपको एक चार्जर का बॉक्स भी मिलता है जो मैंने साइड के अंदर रख रखा है। इसका चार्जर कैसे दिखता है तो वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा देता हूं। तो भाई मिहोज का चार्जर लगभग वैसा ही दिखता है जैसे हीरो फोटोन के अंदर दिया गया था। अगर इसकी स्पेक्स की बात कर लें तो इसका मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आता है 10 एम्पियर के साथ में। मेटल बॉडी के अंदर है, इंडिकेशन लाइट्स मिल जाएंगी, साथ में ऑटो कट फैसिलिटी भी मिलती है। बैटरी स्पेक्स की बात करें तो 2.8 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी है जिसके अंदर 72 वोल्ट और 40 एम्पियर रहेगा। एक बार चार्ज करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे का टाइम देना होगा और एक बार फुल चार्ज करने के बाद में 130 किलोमीटर तक की रेंज ले सकते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो वो रहेगा 189 mm का और कब वेट रहेगा 110 किलोग्राम का। सब्सिडी का देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको स्टेट सब्सिडी मिल जाएगी इस स्कूटर के लिए 12,500 रुपया। वहीं पर एक्सशोरूम प्राइस की बात कर लें तो आपको देने रहेंगे 1,35,000 रुपए। तो गाइस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर रिवर्ट कर दूंगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।